फ्रेंड्स, कैरेफे को लेकर के हमारे मन में कई सारे क्वेश्चंस चलते हैं, क्योंकि हमने आज तक पिक्चर्स में यही देखा है या मूवीज़ में हमने यही देखा है कि इसमें सिर्फ ब्लैक टी बनती है या फिर ग्रीन टी बनती है। क्या हम इसमें नॉर्मल जिंजर मिल्क टी बना सकते हैं? तो आज इन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है बोरोसिल कैरेफे के ऊपर, या आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल बोरोसिल का लिया हुआ है, तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो मैंने परचेस किया है ये बोरोसिल का परचेस किया है कैरेफे। मार्केट में अलग अलग कंपनीज के भी आते हैं। एक्चुअली जिसका ग्लास होता है ना, वो हीट रेजिस्टेंट होता है और इसे आप आराम से किसी भी फ्लेम के ऊपर आप रख सकते हैं। अभी आप सामने देख भी रहे होंगे तो इसमें लिखा होगा 100% ये माइक्रोवेव सेफ भी है और इसे आप डायरेक्ट फ्लेम पे भी रख सकते हैं। ये अलग अलग साइजेस का आता है। फिलहाल ये जो है ये मेरा 1 लीटर का है और इससे छोटे भी आते हैं और कई सारे इससे बड़े भी आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें पैकेट के साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये हमारा कैरेफे है और इस पे जो है एक ऊपर हमारा ये कवर लगा होता है। और आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर ये एक छोटा सा स्टैंड दिया हुआ है, इसे आप चाहें तो लगाएं या तो ना लगाएं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। और ये एक छोटी सी इसके साथ बुक दी हुई है जिसमें कि इसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो अभी मैंने इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रखा है, इसके लिए इसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेनली स्टैंड है ये आपको जब भी आप इसे उतार करके किसी टेबल या कहीं पे और जगह पे रखते हैं तो वो आपको स्टैंड वहाँ पर काम आता है। फिलहाल ये मैंने यहाँ पर ढक्कन उतार दिया है और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 ग्लास यहाँ पे पानी डाला है। आज मैं नॉर्मल जिंजर मिल्क टी बनाने जा रही हूँ और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसे डायरेक्ट फ्लेम पे रखा है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और अभी मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी कि इसे लो, मीडियम और हाई फ्लेम पे किस तरह से बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये ब्लैक पेपर डाल दिया है जो कि नॉर्मली हम लोग डालते हैं चाय में, तो मैंने वो चीज़ डाल दी है। और अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट चाय की पत्ती ऐड कर दी और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारा चाय की पत्ती जो है थोड़ी सी उबलनी स्टार्ट हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने मीडियम पे यहाँ पे आंच को रखा हुआ है और अब हमारी चाय जो है खोलना स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे जिंजर डाल दिया अपने चाय में, जैसा कि हम लोग एज यूजली अपने चाय में घरों में डालते हैं। सो ये हीट रेजिस्टेंट होता है, तो अगर आप अभी से छू करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिल्क भी ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ये पूरी तरह से आपको ये नहीं कि अगर आपने बर्तन को छू दिया तो आपके हाथ जल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांच बहुत ही ठंडा होता है, तो मैंने यहाँ पे आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ भी करके दिखाया, बहुत धीमे भी करके दिखाया। तो भी आप देख रहे हैं कि चाय बन चुकी है हमारी, यहाँ पे अच्छे से खोल रही है। तो ये बहुत ही आसान है, आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, तो आप भी इसे ट्राई करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी चाय हमारी उबल रही है। और हाँ, यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई मोड पर रखा हुआ है, कांच को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करें कि हमारा कांच टूट सकता है या फिर और कुछ हो सकता है। ये भाप की वजह से भले ही थोड़ा सा गर्म हो जाए पर एज इट इज़ ये गर्म नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ये शुगर भी ऐड कर दी है, तो जैसे हम नॉर्मली घर में मिल्क टी पीते हैं ये एज इट इज़ चाय बन करके रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका ये ढक्कन लगा दिया है और अब हमारी बारी आती है चाय को पीने की। सो अब यहाँ पे आपको छन्नी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें जो है होल्स छोटे छोटे दिए होते हैं, उससे आपकी चाय पूरी तरह से छन के आती है। तो आप केटल से डायरेक्ट अपने कप में लीजिए, गार्डन में, बालकनी में, कहीं भी बैठ करके आप केटली के साथ आराम से चाय पीजिए।